नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे कॉलेज क्लासेज में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसमें चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 3, चाप की लंबाई के उपलब्ध एवं पदिक समीकरण। तो उसमें अपन ने फिफ्थ अपना थर्ड प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के जो थर्ड ए है आपका, इसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे, 5 एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रह गए हैं, उन सूत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो फाई साई ये आएंगे अपने पास, ये कोण ये क्या होता है? सबसे पहले मुझे बात, ये अपने पास कोई भी कर्व है, ये रहा कर्व, ठीक है। इसके ऊपर कोई पॉइंट है आपका पी, ये आपका कोई भी कर्व है, इसके ऊपर आपका कोई पॉइंट है पी, और उसके निर्देशांक हम ध्रुवीय रूप में मान लेते हैं कितने हैं, आर और थीटा। तो अपन ने पढ़ा था कि थीटा कोण क्या होगा, ये तो होगा आपकी ध्रुवांतर रेखा ओपी, ये जो लंबाई आपकी ये होगी आर, ठीक है। ये वाला कोण जो प्रारंभिक रेखा के साथ जो बना रही है, कौन सी रेखा, ध्रुवांतर रेखा, उसको बोलेंगे थीटा। इसको बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं अपन ध्रुवांतर रेखा, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। इसके बाद इस बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींच दें, इस बिंदु पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, ये आपकी है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो प्रारंभिक, ये आपकी क्या है, प्रारंभिक अक्ष या प्रारंभिक रेखा। तो स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे साई। क्या भाई, साई स्पर्श, ठीक है, साई। इसके बाद ध्रुवांतर रेखा, ये कोण आप समझ रहे हो भाई, ये आता है थीटा, क्या होता है आपका, जो आपकी ध्रुवांतर रेखा है प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपका थीटा। फिर इस वक्र पर जो बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा जो प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होगा आपका, कोण साई। इसके बाद ध्रुवांतर रेखा वह स्पर्श रेखा के मध्य कोण, इनके बीच का जो कोण है वो होगा आपका फाई। तो आपकी ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, ये आपकी ध्रुवांतर रेखा है, ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच का कोण ये क्या आपका फाई। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है आपका फाई, और ये होता है आपका साई स्पर्श कोण, ये आपका थीटा। ध्रुवांतर रेखा जो आपकी बना रही है प्रारंभिक रेखा के साथ कोण, वो आपका होगा थीटा, ठीक है। तो ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई, ये थीटा, ये सब। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ सूत्र रह गए हैं महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा dy / dx परिवर्तन की दर, अवकलज जो होता है आपका वो क्या होता है tan psi। ये जो स्पर्श रेखा जो कोण बना रही है प्रारंभिक रेखा के साथ, ये कोण क्या होता है, इसके साथ इस tan psi, ये किसके बराबर, dy / dx। सेकंड फॉर्मूला याद रखने में, ये फॉर्मूला आपको dx / dx upon ds बराबर cos phi, cos psi, cos psi, dx upon dx होगा आपका cos psi। नंबर 3 फॉर्मूला dy upon ds, ये होगा आपका sin psi, ये आप देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, dy upon dx का होता है आपका tan psi। तो dy ऊपर है तो sin बटा cos लिख सकते हैं इसको, dy upon ds के बराबर साइन के, और dx upon ds तो आपका ये हो जाएगा cos sin, dy upon dx लिखोगे और dy upon dx को इस तरीके से लिख सकते हैं dy upon ds और ds upon ds, यानी कि dy upon ds लिख सकते हैं इसको बटे में dx upon ds, ऊपर क्या आएगा sin
नीचे cos, तो dy upon ds किसके बराबर, sin psi के, ds upon ds cos psi। ये तीन फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला और है भाई, दो तीन फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 4, tan phi, यहां पर है phi मान लेना, tan phi बराबर r d theta upon dr, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम है, tan phi बराबर r d theta upon dr। इसके बाद है पांच नंबर का फॉर्मूला cos phi बराबर dr upon ds, और सिक्स नंबर फॉर्मूला sin phi बराबर r d theta upon ds। इसमें भी वही काम देखो, जैसे आप tan phi, tan phi को लिख सकते हैं sin phi का cos phi r d theta upon dr, इसको लिख सकते हैं r d theta upon ds और ds upon dr, dr upon ds लिख सकते हैं। तो r d theta upon ds तो किसके बराबर हो गया sin phi, r d theta upon ds किसके बराबर sin phi के बराबर, cos phi के बराबर हो गया dr upon ds। यही अपने पास फॉर्मूला, तो ये आपके पास छह फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लेंगे। इनके अंदर फाई साई और थीटा क्या है और आर क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया, इसके हिसाब से आप इनको याद करेंगे, ये आगे काम में आने वाले हैं फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और होता है इसी के अंदर, देखिए यह आपका कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी, यह आपकी स्पर्श रेखा है, ये कोण बना दे साइन, जिसको मिला बिंदु पी पर, ये कोण क्या होगा आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई, ये कोण हो गया आपका थीटा। अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, इसको मान लीजिए आप नाम दे दें इस पॉइंट को ओपी आर, तो त्रिभुज देखिए आप ओपी आर के अंदर, त्रिभुज ओ पी आर एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के अंदर एक नियम अपन ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज आपका, उसके दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसके साथ जो बहिष्कोण बन रहा है उसके बराबर होता है, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग शेष कोण के बाह्य कोण, यदि बाह्य कोण जो देखिए यहां पर लिखते हैं किसी बाह्य कोण, ऐसे देखो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, आपका बाह्य कोण मान लीजिए ये ले रहा हूं, शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, शेष दो अंतः कोण कौन से रह गए, एक ही रह गया और एक ही रह गया, अगर ये बहिष्कोण ले रहे हैं, मान लीजिए त्रिभुज आपका ठीक है, बहिष्कोण मान लीजिए आप ये ले रहे हैं, तो ये शेष कौन सा रहेगा, ये और ये, तो ये और ये दोनों कोणों का योग इस बहिष्कोण के बराबर होगा, ये आपने नवी के अंदर पढ़ा है, तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर ये आपके पास त्रिभुज है ओ पी आर, ये क्या आपका इसका बहिष्कोण है, शेष दो अंतः कोण कौन से रहेंगे थीटा और फाई, तो यहां पर क्या होगा साई बराबर थीटा प्लस फाई, और ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट नियम है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप नियम पर साथ दे देंगे, साई बराबर थीटा प्लस फाई इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आएगा, साई बराबर थीटा प्लस फाई, कैसे आया त्रिभुज के नियम से ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आपका थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर आपका शायद सिक्स है कि सेवन है, देख लेना सिक्स होगा सर। यदि टू ए अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा हो तो सामान्य संकेतन से
सिद्ध कीजिए कि सामान्य संकेतन से सिद्ध कीजिए कि डी एस अपॉन बी साई बराबर टू ए बटा साइन क्यूब साई। ये अपने को सिद्ध करना है और देखा रखा है। इस एग्जाम्पल को मैं आगे करूंगा, क्वेश्चन को आपको कोशिश करना आपको आ जाए तो। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ी सी कुछ बातें दो तीन बातें मुझे होंगी इसके अंदर, चलो मैं करवा देता हूँ पूरा। देखिए चूंकि 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ये आपको दे रखा है cos थीटा, ठीक है। आप लघुगणक ले लीजिए दोनों साइड, लघुगणक लेने पर लघुगणक लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, log 2a माइनस log r log 1 प्लस cos थीटा। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, उसकी वजह से अपन ने ये कर दिया। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, ds अपॉन b साई। तो ds अपॉन b साई कैसा होता है, ds अपॉन b साई आ सकता है ds अपॉन d थीटा करके और d थीटा अपॉन b साई करके, लिख सकते हैं इसको। तो अपने को चाहिए ds अपॉन d थीटा, और ds अपॉन d थीटा का फार्मूला अपने को पता है क्या होता है, ds अपॉन d थीटा बराबर होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है अपने पास फार्मूला। तो इसके लिए अपने को dr अपॉन d थीटा क्या सकता है, और dr अपॉन d थीटा यहां से निकालेंगे, इसका तो जीरो हो गया, माइनस का एक बटा आर डी आर बटा डी थीटा लोग आर का लोग वन प्लस कोस थीटा एक बटा वन प्लस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, यहां पर आया वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू, और 1 प्लस cos थीटा होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 cos से 1 cos कट गया, क्या बचा अपने पास 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा बराबर आया अपने पास sin बटा cos हो गया tan थीटा बटा 2। अब देखिए इसी को, इसको समीकरण नंबर आप एक दे दीजिए, इसी को आगे लिखिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन डी आर, उल्टा कर दिया है तो ये आपका हो गया कोट थीटा बाई टू, ठीक। चूंकि आर डी थीटा ये अपने पास अभी फॉर्मूला आया था इसके बराबर टेन थीटा, तो लिखा है क्योंकि r d थीटा अपॉन d r बराबर होता है आपका tan phi, ये भी फार्मूला हमने लिखा है, ठीक है। tan phi बराबर, देखिए cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बटा 2 लिख सकते हैं, या phi 90 phi बटा 2 लिख दीजिए, phi by 2 माइनस थीटा by 2 किसके बराबर होगा आपका tan, ये फर्स्ट के अंदर टेन किसमें चेंज हो जाएगा कोट में, और किस क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा टेन कोट में चेंज हो जाएगा और प्लस का जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको कोट थीटा बाई टू को टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो टेन फाई बराबर अपने पास आया, फाई बराबर है अपने पास, इसलिए फाई बराबर फाई बटा दो माइनस थीटा बटा दो, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर जो एक है उससे अपन निकालना चाहते हैं, चूंकि ds अपॉन d थीटा बराबर अपने पास है r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर, तो ये निकालेंगे ds अपॉन d थीटा, मान रखिए dr अपॉन d थीटा का, तो ds अपॉन d थीटा r स्क्वायर r tan थीटा बटा 2, dr अपॉन d थीटा का मान है तो tan स्क्वायर थीटा बटा 2 इसका अंडर रूट,
तो ds अपॉन d थीटा अपने पास आया r 1 plus tan square theta by 2 कितना हो जाएगा sec square theta by 2 और आ जाएगा यहां पर sec theta by 2 तो ds अपॉन d थीटा तो आया अपने पास r sec theta by 2 समीकरण नंबर 3। अब अपने को निकालना क्या था ds अपॉन d psi था तो इसको लिखा था पहले ds अपॉन d थीटा अपॉन d psi ठीक है। अब चूंकि साई बराबर थीटा प्लस फाई चूंकि हम जानते हैं कि साई बराबर थीटा प्लस फाई तो अब जो आपका देखिए फाई की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं तो फाई का मान देखें यहां पर थीटा प्लस पाई बटा दो माइनस थीटा बटा दो समीकरण दो से अपने पास साई बराबर आया थीटा बटा दो प्लस पाई बटा दो। अब चाहिए क्या आपने को थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी साई तो इसका कर दीजिए थीटा के सापेक्ष डी साई अपॉन डी थीटा आ जाएगा अपने पास थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे तो वन बाई यानी कि डी थीटा अपॉन डी साई अपने पास आया अब चूंकि असली इसलिए ds अपॉन d साई बराबर ds अपॉन d थीटा डॉट d थीटा अपॉन d साई मान रख लेंगे ds अपॉन d थीटा का मान r sec थीटा बटा 2 * d थीटा अपॉन d साई d थीटा अपॉन d साई का मान निकाला अपन ने 2 ठीक है 2 sec थीटा बटे 2 r का मान है अपने पास r की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए ये जो आपको दे रखा है r का मान होगा अपने पास 2a बटा 1 plus cos थीटा ठीक है तो r की वैल्यू रख देंगे 2a बटा 1 plus cos थीटा r का मान रखने पर ठीक है अपने पास आया 4a sec थीटा को लिख सकते हैं अपन क्या 1 बटा cos थीटा बटा 2 1 प्लस cos थीटा होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 तो यहां पर अपने पास आ जाएगा ds अपॉन d sin बराबर 2 2 4 1 कट गया 2 आ गया और 2a नीचे आया अपने पास कोस की पावर 3 थीटा बटा 2 तो ds अपॉन d साई बराबर 2a। अब देखिए अपने को कौन किस में चाहिए कौन साई के अंदर चाहिए तो अपने पास थीटा और साई के अंदर संबंध है ये रहा इससे आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए थीटा बाय 2 की वैल्यू अपने पास साई माइनस पाई बटा 2 ठीक है क्योंकि साई बराबर थीटा बटे 2 प्लस पाई बटे 2 यहां पर अपने पास आ जाएगा ds अपॉन d साई बराबर 2a देखिए cos थीटा में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं cos के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा ये sin क्यूब साई पाई बाई 2 माइनस साई क्या हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा साइन क्यूब साई तो ds अपॉन d साई क्या है 2a अपॉन साइन क्यूब साई यही हमें सिद्ध करना था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आप लोग इसको करके देखना हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर फॉर्मूले ध्यान रखना सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं।